रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। मैं मोहम्मद नाजम और आप देख रहे हैं गम गोल ब्लॉग्स। आज ये जो सामने आपको कोठी नज़र आ रही है, इसका एस्टीमेट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और इसके अंदर कितने कमरे हैं और कोठी का लुक क्या है, नक्शा क्या है, वो सारा आपके साथ शेयर करूँगा। आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर और आपको डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो नाजरीन, फ्रंट आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, गैराज है और बड़ा गेट गाड़ी के लिए, साथ में छोटा गेट भी है। और ये जो बाहर दीवार है, इसकी जो खूबसूरती है, जब ये पेंट होगा तो मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। काम स्टार्ट है, अंदर चलते हैं। ये भी जो लकड़ाई का काम शुरू हो रहा है, गंद वगैरह मचा हुआ है, तो सीलिंग का काम हो रहा है, पेंट का काम हो रहा है और उसके बाद नीचे लकड़ाई का काम हो रहा है। ये सामने जो आना आपको नज़र आ रहा है, कदीर है और पेंट का काम करता है, बहुत आला कारीगर है। इसके साथ भी बात करते हैं, पहले चलते हैं अंदर और अंदर जो इसका नक्शा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो नाजरीन, ये अभी एंट्री है, घर के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। बिल्कुल सामने देखा जाए तो हाल है, हाल के पीछे आपको ये थोड़ी सी हैरत हो रही होगी कि यह सामने दरवाज़ा जो है वो क्या है। इनके पीछे जगह है, हवेली बनानी है इन्होंने और इसके लिए ये ओपन दरवाज़ा इन्होंने रखा हुआ है रास्ता आने जाने के लिए। और पहले यही आपको डिटेल के साथ बता दूँ, फिर घर के जो बाकी मामला थे वो देखते हैं। ये पीछे जगह है इनकी और एज ए हवेली के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल करनी है, तो ये बाद में बात करते हैं। पहले यही आल है जी, आल में एंटर होने के साथ दाएं और बाएं साइड पे एक एक बेडरूम है और जिनके साथ अटैच बाथरूम है। एक ये बाएं साइड पे साथ में अटैच वाशरूम, उसके साथ आल में भी इसका दरवाज़ा है। तो अगर दाएं साइडों की बात की जाए तो ये बेडरूम है और इसके साथ ही जो है अटैच वाशरूम है और ओपनिंग जगह भी है साथ में रोशनी के लिए और एग्जास्ट के लिए। और आज से अगर जो भी बाहर निकलते हैं तो साथ में ये सीढ़ी है दूसरे फ्लोर के लिए और इस साइड पे जो है वो बैठक है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। ऊपर सीलिंग भी ये है, उसका भी आपको विजिट कराता हूँ। पहले जो ये इसकी लुक है वो आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ ही हाल के बाहर ये किचन है। किचन माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, ओपन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके जो बाहर की जानब ग्रिल लगी हुई है सेन में और गर्मी वगैरह में जो है सहूलत है इसकी, गर्मी ज़्यादा नहीं होती। टाइल अच्छी लगी हुई है नीचे भी और साइडों में भी और तकरीबन तैयारी के मराहिल में घर माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है। तो इसकी जो ईंट लगी हुई है, ईंट तकरीबन इस पर जो है 65,000 ईंट लग चुकी है और इसका जो टोटली खर्चा बता रहे हैं विद मटेरियल, ये सीढ़ियाँ अच्छी लगी हुई हैं इसके साथ, जो मार्बल है बड़ा खूबसूरत है और ऊपर यही जो है एक सीनियम डी जो इसको बोला जाता है गैलरी वो ही बनी हुई है और उसके ऊपर जो ये सारा ओपन एरिया है, छत जो है खुली है। तो माशाल्लाह खूबसूरत घर है बना हुआ। तो इसका जो टोटल खर्चा बता रहे हैं तकरीबन जो है वो अभी आजकल के हिसाब के मुताबिक जो है 70 के एड कर बता रहे हैं, 70 लाख रुपया तकरीबन खर्चा है इसमें। काम अच्छा हुआ है, खूबसूरत है। और इसके बाद अगर ये जो सीलिंग है इसकी बात की जाए तो सीलिंग भी बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन हुई है। ये गैलरी से कह सकते हैं सीढ़ियों के ऊपर की जगह और हाल में भी जो काम हुआ है वो आपके सामने माशाल्लाह खूबसूरत है। पंखे के लिए फूल भी लगा हुआ है और साइडों पे भी जो बॉर्डर वगैरह दिए गए हैं बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। काम अच्छा हुआ है जी, अच्छा किया हुआ है इन्होंने। जो बेडरूम्स हैं उनमें भी अच्छा काम हुआ है, सादा है लेकिन अच्छा है। तो अभी चलते हैं बैठक में, बैठक का जो व्यू है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये जी बैठक है, बैठक का डिज़ाइन भी दूसरे कमरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। छत बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, पंखे के लिए 3 पंखे हैं जिसमें, तो उसके अलावा लाइटिंग वगैरह है, तो खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। और बैठक के
बाहर जो सेन में किदार में जगह बची हुई है गाड़ी के लिए, और सेन भी बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। तो आज की जो डिटेल है वो यही है, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है घर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। और अभी बात करते हैं कदीर साहब से, पेंट का काम करते हैं। कदीर साहब अपना नंबर दो तुम, तो केड़ा केड़ा काम कर सकते हो तुम, सारा डिटेल ना दसो। पेंट का काम अगर चाहिए तो कोई भी बंदा रबता कर सकता है इस नंबर पर, नंबर रबता जो है वो स्क्रीन पर चला देंगे। कदीर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, केड़ा केड़ा काम कर लेंगे सही, जानि कि पेंट वगैरह जो सीलिंग वगैरह होंगी है हर चीज हर किस्म का कर लेंगे। अच्छा अच्छा ये तुम दिहाड़ी तो करते हो या कि यानि कि ठेका वगैरह भी करते हो, जिस तरह बंदा चाहे कर लेंगे, ठीक है। एक दिहाड़ी अगर करना चाहो तो एक दिहाड़ी का की रेट होंगे, सतारह अठारह सौ रुपया दिहाड़ी चल रही है विद खाना या खाने तो अलावा, खाना हो या ना हो बाद की बात, जो चाहे दे सकता है वरना ना भी दे, मसला सतारह से अठारह सौ रुपया तकरीबन पर डेली के हिसाब से काम करते हैं, और कोई भी काम हो तो इनसे रबता कर सके। नंबर अपना ज़रा दस दो, नंबर अभी बोल दिया इन्होंने, मैं स्क्रीन पर चला दूँगा। तो इंशाल्लाह किसी भी बंदे को पेंट के लिए ज़रूरत हो तो इस नंबर पर रबता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी, तो बड़ा खूबसूरत मंजर है जी माशाल्लाह। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए काम के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ नासर। और डिटेल जो है वो भी हमारे साथ आपके साथ जो शेयर किया उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए कि इसका एस्टिमेट कितना क्या सही है, या इससे ज़्यादा होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, या इसके अलावा जो ईंट लगी है यहाँ पर वो अंदाजन इतनी लगी होगी या इससे ज़्यादा लगी होगी। तो बहुत शुक्रिया जी, जो भाई दोस्त वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़ नासिर।